दोस्तों पिछले कुछ सत्रों में उतार चढ़ाव दिखने के बाद निफ्टी में शुक्रवार को एक बेहतरीन उछाल देखा गया है और यह 205 अंकों की तेजी के साथ बंद हुआ है। दोस्तों ये एक सकारात्मक संकेत है और अल्पावधि में और तेजी की उम्मीद की जा सकती है। बाजार अब एक के बाद एक बाधाओं को पार कर रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही शुक्रवार को बढ़त के साथ बंद हुए हैं। सेंसेक्स 708 अंक बढ़कर 59,276.69 पर बंद हुआ है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 205 अंक बढ़कर यानी 17,670.45 के स्तर पर बंद हुआ है। दोस्तों सेंसेक्स के अधिकतर शेयरों में आज बढ़त देखी गई है। साप्ताहिक चार्ट के अनुसार निफ्टी में पिछले हफ्ते के ठहराव के बाद तेज उछाल जारी रहा है। ऐसा लगता है कि एक छोटे से मूवमेंट के बाद बाजार में तेजी आई है और उच्च स्तर से मामूली गिरावट का एक और दौर दिखाने से पहले निफ्टी के निकट भविष्य में 17,800 से लेकर 18,000 के स्तर की ओर बढ़ने की उम्मीद है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको सीक्वेंट साइंटिफिक LTD शेयर के बारे में बता देता हूं। दोस्तों इस शेयर की कीमत में तेज गिरावट का रुझान उल्टा होता दिख रहा है। दोस्तों ये शेयर 121 रुपये पर बॉटम रिवर्स के बाद हम स्टॉक की कीमत में ऊपर की ओर उछाल देखते हैं। दोस्तों स्टॉक की कीमत शुक्रवार को साप्ताहिक 10 अवधि EMA के प्रतिरोध से ऊपर चली गई है और उच्च स्तर पर बंद हुई है। स्टॉक की कीमत में ऊपर की ओर ब्रेकआउट के दौरान वॉल्यूम का विस्तार शुरू हो गया है और साप्ताहिक 14 अवधि RSI सकारात्मक संकेत दिखाती है, इसीलिए आगे शेयर की कीमत में और मजबूती की उम्मीद की जा सकती है। दोस्तों CMP 143.50 रुपये पर सीक्वेंस में खरीदारी शुरू की जा सकती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं ओबेरॉय रियलिटी शेयर के बारे में। दोस्तों पिछले दो हफ्तों में मामूली मूवमेंट देखने के बाद स्टॉक की कीमत में एक स्थायी उछाल देखा गया है और ये शेयर उच्च स्तर पर बंद हुआ है। दोस्तों साप्ताहिक चार्ट पैटर्न 965 रुपये पर डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का उल्टा ब्रेकआउट दिखाता है। साप्ताहिक चार्ट के अनुसार स्टॉक की कीमत 10 और 20 अवधि EMA के समर्थन से ऊपर बनी हुई है। दोस्तों शेयर की कीमत में तेजी के दौरान शुक्रवार को वॉल्यूम का विस्तार हुआ है और साप्ताहिक 14 अवधि RSI सकारात्मक संकेत दिखाती है। दोस्तों आप ओबेरॉय रियलिटी शेयर को CMP 982.50 रुपये पर खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। तो दोस्तों ये थे वो आज के दो शेयर जिनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना।